given you the sign. This is your sign. The fact that you landed on this video itself is a sign. अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही उल्टा पड़ सकता है. ये नंबर देखना could turn into a bad luck for them. और वो क्यों? Hey everyone, my name is Ishpreet and I'm a mindset and manifestation coach. और आज का जो वीडियो होने वाला है, it's gonna be answering one of your questions एक तरीके से, क्योंकि ये वाला question मुझे बहुत बार मिलता है. सो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था ऑन एंजल नंबर्स. इफ यू हैवन वॉच दैट वीडियो, आई हाईली रिकमेंड फर्स्टली दैट यू गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि ये वाले वीडियो में आपको इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑलराइट, सो जस्ट गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, वॉट इज द मीनिंग ऑफ 111 और 111 when you see these repeating numbers, right? So सबसे पहला significant repeating number वैसे भी जो होता है that is 1111. It's considered to be a magical number. आप लोगों ने ऐसे वो Instagram पे जो forwarded जाते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी बार लिखा होता है कि 1111 and then it's written make a wish, right? तो वो make a wish क्यों लिखा रहता है, उसके पीछे का एक पूरा reason है. This is one of the most powerful repeating number sequences of all. So सबसे पहली बात तो ये रिपीटिंग नंबर किसको दिखता है? द पीपल हु एक्चुअली बिलीव इन अ हायर पावर, पीपल हु एक्चुअली बिलीव दैट देयर आर देयर हायर सोर्सेस, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स कम्युनिकेटिंग विद देम, दे हैव द फेथ, दे हैव द बिलीव एंड दस आर इन अ पोजिशन टू रिसीव दैट गाइडेंस, आर द पीपल हु एक्चुअली स्पॉट दीज नंबर्स. बाकी लोगों के सामने ये ऐसा होता है कि ये रिपीटिंग नंबर्स आते भी अगर है तो आपको वो नोटिस में नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द आई एंड द विजन टू एक्नॉलेज इट एंड टू रिकग्नाइज इट. इसलिए जो लोगों में बहुत फेथ होता है, बहुत बिलीव होता है, उन लोगों को ये नंबर्स ज्यादा दिखते हैं. ओके, एंड ऑल द पीपल हु एक्चुअली फॉलो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हु प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन, उन लोगों को भी ये नंबर दिखता है फॉर द सोल रीजन दैट द सेकेंड दैट यू सी दिस नंबर, इस नंबर का सबसे बड़ा मीनिंग ही यही है कि योर मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग फॉर यू, एवरीथिंग इज एक्चुअली अलाइनिंग फॉर यू. ठीक है, सो इसका मतलब कि जब भी आपको ये वाला नंबर दिखता है, इट्स अ वेरी पावरफुल साइन दैट यू आर सॉर्ट ऑफ अलाइंड विद द डिजायर्स दैट व्हाटएवर यू हैव. इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि व्हाटएवर इंटेंशन यू हैड सेट आउट दैट इज सॉर्ट ऑफ बीन रिसीव्ड बाय द यूनिवर्स, इट्स ऑन इट्स वे टू यू. सो एवरी सिंगल थॉट जो भी आप अभी सोच रहे हो, एवरी सिंगल इमोशन दैट यू आर फीलिंग, यू गॉट टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि इस नंबर को दिखने का मतलब ये होता है कि नाउ यू हैव सॉर्ट ऑफ एलिवेटेड योर पावर्स इन सच अ वे दैट वट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ, इट्स मैनिफेस्टिंग एट लाइटनिंग स्पीड. ओके, सो इट्स एक्चुअली वट एवर कम्स हियर यू गोना सी इट इन योर रियलिटी. दैट्स द काइंड ऑफ एलिवेशन दैट यू गॉटन योर कॉन्शियसनेस इन टू वंस यू स्टार्ट टू सी दीज नंबर्स. इट्स लाइक कनेक्ट द डॉट्स, एक के बाद एक चीजें अलाइन होती हैं. सो जितनी बारी भी आपको ये नंबर दिखता है, वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट क्लोज योर आईज, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट यू सॉ दिस नंबर, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द कम्युनिकेशन दैट यू रिसीव फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, एंड यू जस्ट नीड टू बिलीव कि आपने जो कुछ भी मांगा था, इट्स ऑन इट्स वे टू यू. जस्ट कीप डूइंग द थिंग दैट यू आर डूइंग, कीप कंटिन्यूइंग टू डू व्हाटएवर इट इज दैट यू आर डूइंग. जो भी एक इमोशनल स्टेट है आपका, स्टे इन दैट स्टेट बिकॉज इट इज हैपनिंग फॉर यू. अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही उल्टा पड़ सकता है. ये नंबर देखना कुड टर्न इनटू अ बैड लक फॉर देम. और वो क्यों? वो भी आप सोच रहे हो रहा है फटाफट, इट्स गोना शो अप इन योर रियलिटी. नाउ इमेजिन कि अगर आप उस एलिवेशन जोन में पहुंच कर देन यू स्टार्ट टू हैव द डाउट्स, देन यू स्टार्ट टू हैव द फियर्स, देन यू स्टार्ट टू हैव द इनसिक्योरिटीज, तब आपके मन में ये सब आने लगता है अगर कि यार वैसे तो मैंने अपना डिजायर लाइक आई हैड पुट इट आउट देयर, आई हैड सेट माय इंटेंशन, बट व्हाट इफ इट डजंट हैपन, डू आई रियली डिजर्व इट, एम आई वर्थी ऑफ इट. एंड जब ये सारे क्वेश्चंस आपको इस टाइम पर अगर आने लगते हैं, जब आपको नंबर दिखने लगता है, यू आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग अ यू टर्न एंड गेटिंग दिस टू गो इन ऑपोजिट ऑफ हाउ इट शुड बी. एक्चुअली आपके फेवर में जाने की जगह वो उल्टा जा रहा है अब, जस्ट बिकॉज आप उस पावर स्टेट में हो और आप अच्छी इमोशंस की जगह आप नेगेटिव इमोशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो जब भी आपको ये नंबर दिखता है, इट्स अ कॉन्फर्मेशन ऑफ पावर, इट्स अ कॉन्फर्मेशन ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ, ऑफ द फैक्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू. इट्स द कॉन्फर्मेशन दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. You are on the exact track that you are supposed to be in, that you are meant to be in.
The universe has ways to redirect us into a different path agar we are not on the path that we are meant to be in. So the next time you see this number, get really, really excited because someone is communicating with you. They are giving you the sign. This is your sign. The fact that you landed on this video itself is a sign. So aapne jo kuch bhi manga hai, it is on its way to you. Whatever you desire, it's just a step away. Don't fall out from the feeling of faith, of belief, and the fact that you actually deserve something. Be extremely cautious of your energy. Be extremely cautious of the kind of words that come out of your mouth. Be extremely cautious of the feelings and emotions you're feeling because everything is being manifested. You just got a confirmation. Alright guys, so that is about this video. Agar aapko ye signs dikhte hain, agar aapko ye repeating numbers dikhte hain, drop them down in the comments below. If you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe. Check out my 21 days challenge. The link is in the description below. Join our Facebook community. It's growing every single day. We come together, we manifest together in that community. We talk about the law of attraction. You can find your soul tribe in that community and you can book a one-on-one session with me as well. All the links are in the description below. That's all for this video and I'm gonna see you in my next one. Thank you.